हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रेशमेस किचन मंत्रा। होप यू ऑल वेल। मेरी आज की रेसिपी है प्लास्टिक चटनी। एक्चुअली ये पपाया की चटनी है। खाने के बाद या खाने के साथ चटनी तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे चटनी खट्टा हो या मीठा। तो आज मैं पपाया की एक स्वीट चटनी बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैं इस चटनी को बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए नए रेसिपी के अपडेट के लिए। तो इस प्लास्टिक चटनी को बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की पपाया से हाफ पोर्शन यानी कि आधा काट के इसे पील ऑफ कर लिया है। इस चटनी को बनाने के लिए पपाया के एकदम पतला स्लाइस चाहिए हमें, तो इसलिए सबसे पहले मैं इस पपाया को चार हिस्सों में काट लूँगी। और बीच में जहाँ पे सीड्स रहते हैं उस जगह को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए मैंने पपाया को अच्छे से क्लीन करके धो लिया है। अब मैं इसके स्लाइस कर लूँगी। अब इस पपाया को मैं पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। आप एक स्लाइसर को यूज़ करके भी स्लाइस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एकदम पतला पतला स्लाइस कर लिया है। अब इसको भी मैं बीच में से काट के छोटा पीस कर लूँगी। आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए स्लाइस करके ही बनाने की। उससे पपाया का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको चटनी में अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने पपाया को स्लाइस करके काट लिया है। अब मैं इसे अच्छे से एक बार पानी से वॉश कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप करीब पानी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी कट किया हुआ पपाया को। अब हम 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे बॉईल कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पपाया को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो इसे मैं कवर कर दूंगी और 2-3 मिनट से ज़्यादा मैं इसे कुक नहीं करूंगी। तो देखिए यहाँ पे पपाया अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं गैस को टर्न ऑफ कर दूंगी और इसे स्ट्रेनर में निकाल लूंगी। पपाया को निकालने के बाद उसी सेम फ्राइंग पैन में मैं ऐड कर दूंगी 3/4 कप शुगर। और शुगर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी। हमें यहाँ पे चाशनी यानी कि शुगर सिरप बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला चाशनी भी हमें नहीं बनाना है। तो अब मैं शुगर को अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। तो गैस को मैंने अभी हाई फ्लेम में ही रखा है। आप चाहे तो पपाया को काट के डायरेक्ट शुगर सिरप में भी बॉयल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुगर सिरप एकदम रेडी हो गया है, इसमें अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब मैं इसमें पपाया को ऐड कर दूंगी। पपाया को ऐड करके शुगर सिरप के साथ एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और अब मैं गैस के फ्लेम को कर दूंगी लो मीडियम पे। और लो मीडियम पे रख के कवर करके इसे मैं 5 मिनट के लिए फिर से कुक होने दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने 5 मिनट के लिए पपाया को इस चाशनी में बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काजू और उसके साथ थोड़ा सा किशमिश। ये आप आपके पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 इलायची। तो मैंने इलायची को यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर दूँगी। गैस के फ्लेम को फिर से हाई में करके मैं इसे 1 मिनट कुक होने दूंगी। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस। लेमन जूस से शुगर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और शुगर के टेस्ट को बैलेंस करने के साथ साथ एक फ्लेवर भी इन्हेंस होगा। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस को अच्छे से मिक्स करके मैं गैस को टर्न ऑफ कर दूंगी और इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। हमने इसमें नींबू यानी कि लेमन जूस ऐड किया है, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस चटनी का कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया हमारा प्लास्टिक चटनी। तो अब यहाँ पे मैं 2 घंटा बाद आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए चटनी एकदम ठंडा भी हो गया है और उसके साथ चटनी का कलर एकदम चेंज हो गया है और चाशनी पपाया के साथ एब्जॉर्ब होके चटनी गाढ़ा भी हो गया है। तो देखिए पपाया का कलर एकदम चेंज हो गया है और पपाया एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे रेडी हो गया आज का हमारा प्लास्टिक चटनी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए रेसिपी के साथ।